All right, guys, so let's continue. I'm not sure why the वीडियो गॉट डिस्कनेक्टेड, बट या दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ सैडनेस यहाँ पे. ठीक है, हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़ के लाइफ रिलेशनशिप में अभी किसी तरह का सैडनेस ने जगह लिया हुआ है. चलो आगे देखते हैं क्या होता है. हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, तो कोई चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, सदमा हुआ है, हर्ट हो रहा है, कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं और उससे काफ़ी हमको दुख दर्द ही हो रहा है. काफ़ी हम किसी किसी हार्ट ब्रेक से जूझ रहे हैं. एंड यू नो यहाँ पे क्वालिटी वाला कार्ड भी आया है, जहाँ पे क्या है, हमें अपनी स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करने के लिए इशारा हो रहा है. यहाँ पे बर्डन है सबकॉन्शियस में. यहाँ पे देखिए कॉन्शियस लेवल में क्या है, फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है. ओके, गोइंग फॉरवर्ड क्या हो रहा है, दो दो खास, ये दोनों कार्ड्स इंटरेस्टिंगली ये ना एक दूसरे से चिपके हुए से आए हैं, तो आई हैव टू कीप इट दिस वे, मैं ऐसे ही रखती हूँ. एटीट्यूड में लुकिंग फॉरवर्ड, इन्वायरमेंट में तो स्टार की एनर्जी आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कपल, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी आ रही है. एक यहाँ पे टू ऑफ कप्स में डेफिनेटली वहाँ पे इतना हर्ट है, तो अभी ये अलाइनमेंट में नहीं है, इनकी रिलेशनशिप अलाइनमेंट में नहीं है वेन इट कम्स टू ईच अदर. गोइंग फॉरवर्ड क्या हो रहा है, हाई प्रीस्टेस है जो कि चीज़ों को रिवील करेगी. अभी हमको एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द मंथ, वन मंथ के एंड में एग्जैक्टली क्या होगा उस पर हाई प्रीस्टेस ने अपना पर्दा डाल के रखा है, वो आप नहीं जान सकते हैं. तो बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पे तो हम समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है दोनों को रिलेशनशिप में. ठीक है, किसी चीज़ का लॉस है, हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा ही है ना. यहाँ पे भी सैडनेस है, यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये दोनों एनर्जी ही चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स और तकलीफ दे बना रही है. बहुत ज़्यादा बैगेज तो डेफिनेटली किसी चीज़ का कैरी कर रहे हैं लोग सबकॉन्शियस में. ठीक है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. अब ये किस चीज़ का दुख बैगेज कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है इनके कॉन्शियस लेवल पे, तो ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है गाइज. ऑल राइट, एंड लिसन, आई एम गेटिंग अनदर थिंग ऑल्सो. यहाँ पे अगर तुम रीडिंग देखो, ये डेविल का कार्ड है, और ये डेविल का कार्ड क्या है, ये इनकी रिलेशनशिप को प्रॉबेबली एंड करने के लिए कुछ है. इनकी इसी तरह की रीडिंग आती है ना, सब थर्ड एक्सटर्नल अफेयरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग. तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे डेविल आया है किस इंटेंशन से इनके रिलेशनशिप में, टू एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड अपसाइड डाउन करने के लिए आया है इनके. और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्टेड है. सी, दिस इज द पास्ट का कार्ड, और पास्ट में कुछ डायरेक्शन है, इट्स लुक लाइक समथिंग इज लॉन्च्ड. फिर यहाँ पे ये एक हैवी एनर्जी हुई, और फिर यहाँ पे ये मूव ऑन होगा किस तरफ, ये हैवी एनर्जी जैसे कि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ पे चीजें पूरी बिगड़ गई, मिसअलाइनमेंट हो गया. तो ये पास्ट से कुछ दिन से इनकी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे भी क्वालिटी है. तो लेट मी पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस फॉर अ बेटर क्लैरिटी, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्ट हुई हैं, यहाँ पे सैडनेस है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे डेविल चीज़ों को एंड करना चाहता है, वर्ल्ड एंड कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है. ठीक है, तो ये एक डायनामिक्स आप देख रहे हैं, चीज़ों पे काफ़ी पर्दा है जैसा मैंने आपको बताया, चीज़ें क्लियर नहीं हैं और आगे भी कैसे क्लियर अभी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मिस्ट्री भी है, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक अजीब सी एनर्जी देख रहे हैं. राइट, हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ ये है इनके लिए कि एनवायरनमेंट में इनके लिए एक हीलिंग आ रहा है, विश फुलफिलमेंट आ रहा है, इस तरह की कुछ चीज़ आ रही है. एटीट्यूड डेफिनेटली है लुक फॉरवर्ड इन अ रिलेशनशिप, टू और टू बैलेंस वाली एनर्जी है. टॉप ऑफ द माइंड में देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द रीडिंग आप फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी देख रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली लोग सराउंडेड तो है नेगेटिव लोगों से. ठीक है, अगर आप ये तीन कार्ड्स देखो तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स में है, और ये
यहाँ पे कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स में है। एक क्वीन ऑफ वॉन्स अगर रिवर्स में है तो दिस कुड बी अ नेगेटिव पर्सन हु इज, जो शायद आई डोंट नो इफ रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं होने दे रही है। एक इल्यूजन क्रिएट किया जा, एक क्वीन ऑफ वॉन्स नेगेटिव अवतार में है शायद, जो कि इल्यूजन क्रिएट कर रही है। इस तरह की एनर्जी मैं पिक तो कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एम्प्रेस की एनर्जी है। लेट मी पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस एट ऑफ वॉन्स। तो देखो ये एक मेन मोटा एनर्जी ये हो गया, बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं, रिलेशनशिप का बर्डन तो हो ही गया है। नेगेटिव लोग भी हैं जो कि कोई तो उनका एजेंडा है। यहाँ पे टोटल कोई चीज़ डायरेक्ट हुई है, दिस इज़ व्हाट आई वाज फीलिंग, कि कोई चीज़ उसको बेसिकली डायरेक्ट किया गया है, यानी कि इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग हैज़ बीन इंड्यूस्ड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो आई विल टेल व्हाट आई एम गेटिंग, दिस समथिंग हैज़ बीन इंड्यूस्ड हियर। ये सैडनेस को इंड्यूस हुआ है एक्सटर्नल अफेयरेंस इंटरफेरेंस से। एंड यहाँ पे डेविल आ गया है इनकी वर्ल्ड को अपसाइड डाउन करने के लिए। मिसअलाइनमेंट यहाँ पे भी दिख रहा है, चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है और आगे भी शायद क्लियर नहीं रहेंगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ने उसको कवर करके रखा है। हालांकि इन्वायरमेंट, अपना एटीट्यूड इनका स्ट्रांग ही है कि दे वॉन्ट टू कीप द रिलेशनशिप स्ट्रांग, प्लानिंग, लुकिंग फॉरवर्ड। इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने फाइव ऑफ वॉन्स का, देखो फाइव ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, राइट, सेम कार्ड। चलो ठीक है, अभी क्या देख सकते हैं कि ये एट ऑफ द एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर एट ऑफ वॉन्स, थैंक यू सो मच। डेथ, डेथ की तरफ इशारा कर रहा है ये, है ना। यहाँ पे देखो रिलेशनशिप जो इनकी है इसको उल्टा करने की, सी दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। ये वॉर पे जा रहा है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बट यहाँ अगर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बेसिकली इफ दिस वॉरियर मूव्स, इट इज सम काइंड ऑफ एंड हियर, राइट, वर्ल्ड इज एंडिंग, डू यू सी दिस। और ये आया है एज अ क्लैरिफायर तो नहीं आया है, पर मैंने शफल करते वक्त दिखा है। एंड आई ऑलवेज टेक दोज रीडिंग दोज कार्ड्स इन टू कंसिडरेशन। ये इंटेंशन हो गया, डू यू सी दिस। समबडी इज गोइंग समवेयर, ये एंड डेथ की तरफ जा रहा है। दिस इज द पीछे का इंटेंशन, इस इंटेंशन से कोई चीज लॉन्च की गई है, और यहां पे दुख होता है, यहां पे चीजें एंड हो रही है, डेथ, वर्ल्ड का एंड, समझ रहे हो, इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। एनीवेज दिस इज व्हाट वी आर पिकिंग, सो लेट्स कंटिन्यू टू पिक। तो मैं ये एक एंगल मैंने आपको बताया, लेट्स कीप दिस हियर एंड लेट्स कीप गोइंग। ये लोग एक्स्ट्रा लोग हैं यहाँ पे, कुछ कर रहे होंगे पता नहीं, ये इंड्यूस्ड है, समझ रहे हो। दिस इज वॉट बिकॉज वेन दीज कार्ड स्टार्ट शोइंग अप एंड आई वॉज पुटिंग दैम, आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट वाई दिस एट ऑफ वॉन्स इज शोइंग इन हियर। ओके, सो दैट्स द रीजन, इट दिस इज अ मिस्टीरियस कार्ड ओवर हियर। इवन दो इट इज पॉजिटिव, इट हैज अ मिस्टीरियस एंगल टू इट बिकॉज ऑफ द वे आई फेल्ट अ लिटिल अनइजीनेस सींग दैट। एनी वेज क्लैरिफायर निकाल के चेक कर लेंगे। Dear angels, can we please have the clarifier for eight of wands? We thank you so very much. Thank you so much. Thank you. Thank you so very much. Oh, wow. Give me a second. किसी तरह की प्लानिंग है यहाँ पे, किसी तरह का तो प्लानिंग है यहाँ पे।
आंख बंद करके कंफ्यूजन करने की क्रिएट करने की कोशिश हो रही है. एंड वेयर आर दोस थ्री कार्ड्स विच आई हैड गॉट. ये देखो, ये और ये और ये. एंड यहाँ पे आंख बंद है इसका. सेवन ऑफ ये तो प्लानिंग का कार्ड है. प्लानिंग हो रहा है, कुछ कुछ पाने के लिए प्लानिंग हो रही है. बहुत सारे कप्स हैं, एम्प्टी कप्स है लेकिन. और यहाँ पे इंटेंशन ये है कि चीज़ें ग्रो ना हो, चीज़ें ग्रो ना हो. और यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो गया है. बट यहाँ पे सारे कप्स में कुछ ना कुछ है, कंफ्यूजन है, कुछ है कुछ है कुछ है. बट यहाँ जब स्टार्ट हुआ था तो ये कप्स में कुछ भी नहीं था, राइट? आंख बंद करके कोई चीज़ हुई है शायद. यहाँ पे ये वॉन्ड है, ये वॉन्ड है, वो कप है. चलो यही सब कुछ पता चल रहा है कुछ कुछ. कैन वी गेट अ क्लैरिफायर फॉर दैट? थैंक यू डियर एंजल्स. सोल का जर्नी है, राइट? योर लाइफ जर्नी हैज़ बीन परफेक्टली डिजाइन फॉर योर सोल्स का ग्रोथ. देखो अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, जो भी चीज़ें टारगेट हो रही हैं, जो भी हैं, अल्टीमेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कर्मास बोल सकते हैं, ट्रेनिंग हो बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ देयर थिंग. इट इज़ पार्ट, ठीक है? तो वो चीज़ लग रहा है. डेफिनेटली यहाँ पे डिफिकल्ट टाइम है, बट एक पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली उनके लिए आ रही है, हीलिंग आ रहा है. पर एग्जैक्टली क्या होगा 1 महीने के बाद, वी कैन नॉट से. सो द गाइडेंस कमिंग फॉर, सी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लेसन एंड ऑल दैट. जो भी चीज़ें हो रही हैं, पार्ट ऑफ द लेसन. ब्रिज, इट इज टेकिंग देम फॉरवर्ड एंड ऑल दैट. सो थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर प्रणाली फॉर हर रिलेशनशिप विथ हर्षद. ओके, तो प्रणाली को हर्षद के लिए क्या बोला जा रहा है ना, इट्स टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू शिफ्ट. इट डजेंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन. ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग. तो ये कहीं इसी तरफ इशारा हो रहा है. यहाँ पे क्वालिटी की भी बात बोली गई है कि आप अपना स्टैंडर्ड नीचे मत करो, यानी कि आप अपने आप को उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ. क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप. क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इवन इन रिलेशनशिप. क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है ना? तो वो चीज़ बोला जा रहा है, जॉय में आने के लिए बोला जा रहा है. अब देखते हैं कि बद्दे को क्या बोला जा रहा है. थैंक यू टू योर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर हर्षद फॉर हिज रिलेशनशिप विथ प्रणाली. वॉट इज दैट यू टेल हिम? पीस बोला जा रहा है इसको. कल्टिवेट इनर पीस ऑन अ डेली बेसिस इन क्वाइट मेडिटेटिव मोमेंट. फोकस ऑन द स्टिलनेस विद इन. एंजॉय द इनर रिफ्यूज. अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स टू एंड लाइफ विल फ्लो मोर इजिली. सी आई थिंक मे बी हर्षद इज डूइंग समथिंग विच इज लाइक शी इज थिंकिंग कि क्या कर रहा है ये, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, समथिंग लाइक दैट. ये बंदे में पीस नहीं है. तो बिकॉज पीस नहीं है तो अंदर में क्या होगा, जब हमारे लाइफ में पीस नहीं होता, जब हम पीस फील नहीं करते तो क्या होता है, बेसिकली हमारी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, राइट? हम शांति फील नहीं कर रहे हैं तो हम या तो फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ से, या हम इरिटेटेड हैं, या हम रेस्टलेस हैं. ये सारी चीज़ें एनर्जी है ना, क्योंकि पीस नहीं है तो बहुत सारी रेस्टलेस, स्कैटर्ड, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी रहेगी, जिसके कारण ये बंदी उसको अनरीजनेबल पा रही है. तो आपकी रेस्टलेस एनर्जी को आपको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेस्टलेस एनर्जी से दूसरों को एडवाइस भी देंगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस एज वेरी अनरीजनेबल एंड पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
और यू विल ऑलवेज बी मिसअंडरस्टूड, जैसे कि इसको यहाँ पे भी लग रहा है लो सेल्फ एस्टीम आया है पता नहीं क्यों, बट एनी वेज इसको क्या करने की जरूरत है, पहले बोलते हैं ना कि आप शांत होइए, फिर दूसरों को शांत कराइए या दूसरों को अपनी बात रखिए, तो इस तरह की कुछ चीजें चल रही हैं यहाँ पे, काफी कंफ्यूजन व इन्फ्यूजन चल रहा है यहाँ पे। फाइव ऑफ सोर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ एक्सटर्नल लोग हैं, सो दिस इज वॉट इट इज। हालांकि देखो दोनों ही चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो, आगे पहुंचे, बट एक हीलिंग एनर्जी आ रही है उनके लिए, स्टार कार्ड में एक विश फुलफिलमेंट आ रहा है, बट यस कुछ तो है यहाँ पे बाय द वे। अभी क्या है, देर इज स्टिल अ मिस्ट्री ओवर देर। देखो मिस्ट्री अभी ये सब जो एक है ना, एक एनर्जी इस तरह की, वो क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है यहाँ पे, किसी ने आग बंद किया हुआ है, बहुत सारे कप्स हैं। चीज है वो, ये इसका कार्ड है जो लॉन्च किया जा रहा है। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दिस कपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।